हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे माय टॉपिक नेम इज एडेप्टेशन इन प्लांट्स। इन दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म्स हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, आइडेंटिफाई द डिफरेंट हैबिटेट्स इन विच प्लांट्स ग्रो एंड डिस्क्राइब द एडेप्टेशन इन प्लांट डेट ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अब इसमें हम देखेंगे कि हैबिटेट होता क्या है। हैबिटेट मीन द इन्वायरमेंट इन विच एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, या एन एरिया इन विच अ पर्टिकुलर एनिमल्स नेचुरली लिव, ईट्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। नेक्स्ट, हमारा अडेप्टेशन मीनिंग क्या होता है। अडेप्टेशन मीनिंग द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवेल्प स्पेशल फीचर टू सर्वाइव इन द गिव सराउंडिंग इन नोन एज अडेप्टेशन। It is necessary because it helps living organism to survive. Adaptations in plant. Plants are divided into two groups on the basis of their habitats: terrestrial plants and aquatic plants. Terrestrial plants. Terrestrial plants वो होते हैं जो लैंड में ग्रो करते हैं। They are found in different habitats such as deserts, plains, hills, marsh, forests, and coastal regions. Desert. Deserts are the areas that receive scanty or no rainfall. These are dry and sandy areas that have hot weather. Desert regions generally have a scarcity of water. Deserts हमारा वो area होता है जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। यहाँ पर normally प्लांट्स उगते हैं जैसे कि कैक्टस, डेट, पाम्स। मोस्ट प्लांट्स हैव अ थॉर्न्स। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। दे डोंट एनी लीव्स और हैव वेरी फ्यू ऑफ देम। वहाँ पर नॉर्मली देखा जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है बहुत कम होती हैं। दे स्टोर वाटर इन द स्टेम्स विच बिकम फ्लैशी। प्लेन्स। प्लेन्स हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ ना तो ज़्यादा कोल्ड होता है और ना ही ज़्यादा हॉट होता है, और रेनफॉल भी जो जितनी चाहिए होती है उतनी ही होती है। यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वे मे हैव सेवरल ब्रांचेस। दे कैन सर्वाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट एंड मे शेड मोस्ट देयर लीव्स इन ऑटम सीजन। एग्जाम्पल, नीम, पीपल, गुलमोहर। हिल्स। हिल्स एरिया में जो टेम्परेचर होता है काफ़ी लो टेम्परेचर होता है और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। कई बार हिली एरियाज में विंटर्स के टाइम पे भी स्नोफॉल होती है। दीज प्लांट्स आर यूजली टॉल, स्ट्रेट एंड हैव अ कॉन शेप। इन प्लांट्स में फूल नहीं लगते हैं। दे हैव कॉन्स विद सीड्स इनसाइड दैम। इनकी जो लीव्स होती हैं वो भी एक नीडल की तरह तिक्खी चोंच वाली होती हैं। They are also coated with wax. This protects them from the snow. Hills area में normally pine, fir, cedar जैसे tree पाए जाते हैं। Marshes. Marsh is a wetland near lake and streams. They have plenty of water. ये ऐसी जगह होती है जहाँ की जो soil होती है काफी sticky और clay जैसी होती है। इन एरिया को मार्शी एरियाज कहा जाता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर प्लांट टू ग्रो हेयर बिकॉज एयर कैनॉट रीच द रूट्स। जो एयर होती है वो इन प्लांट्स की रूट तक पहुंच ही नहीं पाती है, इसलिए जो यहाँ के प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इनके प्लांट्स की एग्जाम्पल है मैनग्रोव विद ब्रीदिंग रूट्स। फॉरेस्ट। हमारे जंगल काफ़ी तरह की वराइटीज ऑफ ट्री से भरे पड़े हैं जिनमें श्रब्स, हर्ब्स, डिसीजेस, कैनिफर्स, एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स। हमारे जंगलों के जो ट्रीज होते हैं वो बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का एक तरह से घर होते हैं। कोस्टल प्लांट्स। कोस्टल रीजन्स आर द एरिया नियर द सी। ये सी के नज़दीक के एरिए होते हैं। दे कैन सर्वाइव ऑन सॉल्टी वाटर। प्रेफर्स एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर। एग्जाम्पल्स, कोकोनट, रबर, पीपर। अक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स डैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड अक्वेटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं उन्हें अक्वेटिक प्लांट्स बोला जाता है।
These are three types: floating plants, fixed plants, underwater plants. Floating plants. Floating plants can freely float in water. ये पानी की सतह पर तैरते रहते हैं. These are light spongy and float on the surface of the water. They have stomata on their leaves for the exchange of gases with the air. These plants also protect small water animals from the sun's heat. इन प्लांट्स के एग्जांपल हैं डकवीड, वाटर हाइसिंथ एंड लेटस. फिक्स्ड प्लांट्स. दीज एक्वेटिक प्लांट्स हैव रूट फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द वाटर बेड इन द मड. ये पानी के अंदर मड में अच्छी तरह से पनपे होते हैं. लीव्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट सो एज टू गेट सफिशिएंट एयर एंड सनलाइट. इनकी लॉन्ग हॉलो स्टेम होती है. The upper surface of the leaves have a stomata, which helps in the exchange of gases. इनके examples हैं lotus and water lily. Underwater plants. These plants remain completely under the water. ये पूरी तरह से पानी के अंदर होते हैं. These are also known as submerged plants. Roots of these plants are fixed in the soil under the water. They have narrow leaves without any stomata. They breathe through the surface and keep the water clean. Examples: tape grass and hydrilla. Thank you. Make sure to subscribe. Please like कीजिए. Be happy and be safe.